हैप्पी दिवाली और हर हर महादेव। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, तो आप लोग ढेर सारा शॉपिंग करिए और ढेर सारी परचेसिंग, और हाँ ऑनलाइन कम अगल बगल से ज्यादा परचेस करिएगा ताकि जो गरीब है उनका भी पेट चले भाई, त्योहार उनके भी घर में आपकी वजह से दिया जल सके। तो यहाँ पे आपने देखा ही होगा कितनी सारी शॉपिंग की। राइट आपका ब्लॉग है ना ये, मैं क्यों बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। रोड पर थोड़ा चहल पहल ज्यादा है और मैं इस समय हूँ सिद्धगिरी बाग, जो कि यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ सिगरा चौराहा से ठीक सीधा आप आएंगे तो सिद्धगिरी बाग पहुँच जाएंगे। और आज मैं यहाँ पर दोस्तों वीडियो जो बना रहा हूँ वो पटाखा बाजार का बना रहा हूँ, जो कि यहाँ पर है हमारा सिद्धगिरी बाग में। यहाँ पर होल सेल पे पूरा मार्केट लगा हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे ठीक सामने पटाखा बाजार का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और ये है श्री राम विद्या मंदिर, अंदर मैदान में, सिगरा चौराहा, सिद्धगिरी बाग रोड, यूनियन बैंक के पास। दोस्तों मेरे ठीक आप अगर राइट लेफ्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो आपको सिगरा चौराहा पड़ जाएगा, और ठीक अगर आप हमारे लेफ्ट राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ बेनिया बैग आपको सीधा पड़ जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम आपको घुमाते हैं, ये पटाखे का बाजार जो है पूरा दिखाते हैं और यहाँ का नज़ारा भी दिखाते हैं। तो जैसे ही मैं अंदर आया हूँ दोस्तों, आप देख रहे हैं मार्केट पूरा ओपन एरिया में लगाया गया है, जिससे अदर पब्लिक को ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पार्किंग की सुविधा भी मौजूद है, जैसा कि आप देख रहे हैं पार्किंग की सुविधा भी है, जनरेटर लाइट लगे हुए हैं ताकि लाइट से कोई इशू ना हो। और ये आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में, ये है जगदीश चंद्र मिश्र निजी कॉलेज। तो यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी के साथ ही जो है हमारा यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है, तो आप लोग पूरी सिक्योरिटी के साथ आ सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ की। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर पूरी प्रशासन पूरा टाइट है, और आपको गेट के एंट्री पे ही ये भैया मिलेंगे जो कि ये लड़ी बेच रहे हैं। कितने की बेच रहे हैं भैया ये? ये ओनली 10 रुपए का मैं बेच रहा हूँ, सेंटेड अगरबत्ती है ये। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे दूर से बम पटाखा इसको जला सकते हैं। अच्छा, ये सुरक्षित के लिए है सर। सेंटेड अगरबत्ती है ये? जी हाँ सर। फुलझड़ी टाइप का तो नहीं है ये? नहीं सर, ये अगरबत्ती है। 10 रुपए की एक है? 10 का 5 का जैसा कस्टमर वैसा बेचते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब 10, 5 से लेके 10 रुपए तक का रेट है। ठीक है सर। तो सेंटेड अगरबत्ती बड़ी सी आपने देख ली है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी 5 से लेके 10 रुपए तक का रेट है। दोस्तों अब मैं आइए मार्केट के अंदर आ रहा हूँ, तो जहाँ पर आप देख सकते हैं पटाखे की पूरी दुकान लगी हुई है भाई। अब यहाँ पे पटाखे हमें कैसे मिलेंगे भाई, ये तो हमें देखना पड़ेगा क्या रेट है। एंट्री करते ही आपको जो बगल में भैया की दुकान दिखेगी, और इस दुकान में आप देख सकते हैं सेफ्टी की कितनी ध्यान रखी गई है, और यहाँ पे फायर एक्सटिंग्यूशर का भी यूज़ किया गया है, ड्राई पाउडर, और ये सबसे अच्छी बात है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दुकान की। और यहाँ पे आपको हर तरह के पटाखे उचित मूल्य में मिल जाएंगे। तो हम आइए कुछ पटाखे इनके यहाँ पे देखते हैं और रेट की बातें करते हैं। 160 का है, 150 रुपये। 160 का ये दो डिब्बा? एक 160 का एक डिब्बा, और एक डिब्बे में 5 पीस है जी। ये और पैरासूट? पैरासूट 30 रुपये का, 30 रुपये का एक पीस है। तो कितने? हाँ वो 400 का है, 400 रुपीस का है। अच्छा, ये छुरछुरी है अंकल जी? हाँ। ये कितने रुपए की पैकेट है? 80 रुपये। एक पैकेट 80 रुपए का है? ये हरे कलर की है ना? अच्छा, ग्रीन कलर का है इसलिए। और बिना ग्रीन कलर वाला कितने का है? 15 रुपए 20 रुपए। 15 रुपए 20 रुपए। अच्छा, हेलो, दे रहे हैं आपको 50 रुपए का। इसमें 50 पीस होते हैं, 100 पीस होते हैं।
और इसका एक मुर्गा छाप आता है वो 120। और चरखी, चरखी आप दिखाएंगे भैया? चरखी ये बड़ी वाली चरखी है क्या, जो बड़ी वाली थोड़ी ये कॉक ब्रांड की चरखी 400 रुपए डब्बे। तो यहाँ पर आप सेफ्टी का अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये सेफ्टी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रखी गई है। तो आप देख सकते हैं पानी की बालू और फिर उसके बाद ये टैंक में आप देख सकते हैं पानी, ताकि कोई भी दिक्कत हो आग वगैरह से इस चीज़ को मेंटेन किया जा सके, ताकि आग वगैरह ना लग सके। ठीक है, यहाँ पर सारे शॉप्स, हेलो भैया तो यहाँ पे सारे शॉप्स में आपको फायर एक्सटिंग्यूशर लगे दिखेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। तो ये आप लोगों को प्रशासन ने बोला है या आप लोगों ने अपनी मर्जी से? कंस्ट्रक्शन लाइसेंस जो हम लोग को मिलते हैं वो हम लोग फॉलो किया है। अच्छा, हो सकता है सर। एक्चुअली मेनली हम लोग को बालू और वाटर और ये फायर एक्सटिंग्विशर के लिए बोला था। अच्छा, बहुत अच्छा रखे हैं आप लोग, ये तो दुकानों पे है, सारे दुकानों पर है ये चीज। ये तो मुझे भी चाहिए। योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, ये सब चीजें पहले नहीं होती थी। अब इस समय गवर्नमेंट का है, पुलिस आ रही है, आकर के चेक करके जा रही है, सारी चीजें कर रही है। ये हम लोगों ने मतलब आज तक बचपन से यहाँ से जगह जगह से पटाखे लेते रहे, पर कभी नहीं होता था। आज की डेट पुलिस आ रही है, आकर के चेक करके जा रही है, क्या चाहिए आपको? सही है, सही कह रहे हैं। मैं ये लाइट होती थी पहले, लाइट जो है 24 घंटे में 2 घंटे लाइट आती थी। आज तो हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि झालर लगाए हुए हैं, लाइट नहीं कट रही है। तो बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, हर तरह से सिक्योरिटी सारी चीजें देख रही है। चलिए ये तो अच्छा है। दिल्ली से आते हैं, पर सबको बोलिएगा केजरीवाल को कोई वोट न दे। दिल्ली से आते हैं? दिल्ली से मैं आता हूँ, केजरीवाल को कोई वोट न दे। पानी इतना गंदा होगा कि आप नाले का पानी पी लीजिए, बिजली आएगी नहीं, और जो आएगी उसका बिल आपका 10-15 हजार रुपए का आएगा। और पोल्यूशन इतना गंदा है कि अब तो पहले वो बोलते थे कि हमारे पंजाब वाले जो हैं, पंजाब में अमरिंदर सिंह हैं और वहाँ वो पराली क्यों नहीं रोक रहे हैं, अब तो वो पंजाब में भी आ गए। राइट। तो आप सबसे पहले एक ही चीज चाहते हो कि पटाखे बैन कर दो। पटाखे उन्होंने बैन कर दिया है। सर्वे के हिसाब से पटाखे पूरे इंडिया में जितना पोल्यूशन होता है उसका 0.3% भी नहीं होता, आप क्यों पटाखे ही बैन करते हो? अभी आप देख लेना क्रिसमस और न्यू ईयर आएगा, खूब पटाखे फूटेंगे। सही बात है, पूरा का पूरा वो एक रैकेट चला रहे हैं केजरीवाल। वो तो कृपया उन्हें वोट ना करें। यूट्यूब पर मैं एक मैम को फॉलो करता हूँ, सैगल व्लॉग्स, इज आई एम राइट और रॉन्ग? सैगल व्लॉग्स राइट। तो मैंने इनको फॉलो भी किया हुआ है रिसेंटली। हेलो एवरीवन, तो आप लोग ढेर सारा शॉपिंग करिए और ढेर सारी परचेसिंग, और हाँ ऑनलाइन कम, अगल बगल से ज्यादा परचेस करिएगा, ताकि जो गरीब है उनका भी पेट चले भाई, त्योहार उनके भी घर में आपकी वजह से दिया जल सके। तो यहाँ पे आपने देखा ही होगा कितनी सारी शॉपिंग की। राइट। आपका ब्लॉग है ना ये, मैं क्यों बोल रही हूँ? कोई नहीं, थोड़ा प्रमोट हो जाएगा। हैप्पी दीपावली आप सभी को, और आपकी तरफ से भी मैं कह रही हूँ एक बार थैंक यू। हैप्पी दीपावली। ठीक है, अभी और भी मैं आपको यहाँ मार्केट में दिखाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देखने के लिए। दो दिन अभी मैं इनसे बात करता हूँ शॉप में, कितने दिन के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है कि आप लोग जो है उस ड्यूरेशन के अंदर आके शॉपिंग वगैरह कर लें। को लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, शॉप्स जो है कितने दिन तक ही लगेगी? 12 दुकानें लगी हैं टोटल आपकी। ओके, और 22 तारीख से लाइसेंस इशू है हम लोगों का। ओके, 22, 23, 24 तीन दिन लाइसेंस है। राइट, हाँ हाँ हाँ, तीन दिन का स्थायी लाइसेंस यहाँ सभी का होता है। यहाँ पे स्थायी लाइसेंस सभी का हुआ है, अस्थायी होता है। अस्थायी होता है, साल में ये हम लोगों को 3 दिन के लिए मिलता है। तो आप हमें कुछ रेट वगैरह पिछले साल से लेके इस साल में कुछ डिफरेंस आया है लोगों को? डिफरेंस सर, इस बार माल जो था लॉकडाउन के बाद बना नहीं है। लॉकडाउन में जो माल था, राइट, तो ये लॉकडाउन में जैसे कि 3-4 साल का जो स्टॉक होता है ना, वो पूरा करता है। ओके, इस बार क्या लॉकडाउन में जो 2 साल गया तो उसमें वर्कर लोग काम नहीं किए, पिछले साल से इस बार माल में 35-40% ज्यादा मिला है। अच्छा, इस बार महंगा माल है, इस बार आप लोग को ये माल मार्केट से जो महंगा पड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर की यहाँ से ही महंगा आया है, डिस्ट्रीब्यूटर से। तो जैसे एक थोड़ा बहुत एग्जांपल आप हमें बता सकते हैं कि पहले ये कितने में आप लोग मतलब बेचते थे और अभी कितने में बेच रहे हैं? हम लोग इसको बेचते थे, ये जो है हम लोग इसको 100 का बेचते थे, आज के डेट में ये 150, 160, 180 जैसे कस्टमर
मोल चाल करते हैं। अच्छा, तो ये अभी आपको लगभग 150 से लेके 180 200 मतलब ये पटाखे का चीज है उसमें 200 रुपए। ओह माय गॉड, ये तो पूरा मतलब रेट तो इस बार हाई हुआ है, पटाखे थोड़े से इस बार महंगे होने वाले हैं दोस्तों, लेकिन पटाखे जरूर छोड़ाइए मतलब बजाइएगा इस बार, क्योंकि दिवाली में पटाखे होने वाले हैं महंगे, लेकिन आपको भैया के यहाँ उचित रेट में जरूर पटाखे मिल जाएंगे। और ये मार्केट तो मैंने आप लोग को दिखा ही दिया है। भैया वो अनार आप दिखा दीजिएगा एक बार जरा, छोटे छोटे अनार कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये 100 रुपये डिब्बा है, मोरी ब्रांड है। अच्छा, ये 100 रुपीज के डिब्बे पड़ रहे हैं भैया, क्या बात ब्रांड है, बढ़िया है। ओके ओके, बहुत से हैं मतलब वो दिखा दो, कलर कोठी दिखा दो, एक डब्बा दिखा दो। अच्छा, अरे वाह, ये क्या नया मटका अनार भी अवेलेबल है। ओ हो, ये देखिए क्रिकेट बॉल पूरी लग रही है, और इसको हम क्या कहते हैं भैया, मटका अनार। ये है मटका अनार, ये ऐसे गिर जाएगा तो फूटेगा नहीं, फूट जाएगा नहीं, वो केवल बेकार हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये बेकार हो जाएगा, ये जलेगा नहीं। ओके ओके, ये सिल्वर अनार भी है। ये कितने का? ये तो 500 रुपए का हम लोग बेच रहे हैं एक पैकेट, ये 500 रुपीज का है मटका अनार। ये हैवी भी है, लेदर बॉल की तरह पूरा हैवी है, ये वेट आप देख सकते हो पीछे। बेस और रेट तीन वैरायटी आती है इसमें, बेस इसका प्रॉपर बना हुआ है ताकि आराम से ये बैठ सके। ये मुझे लग रहा है शादियों में भी जलाते हैं क्या? यही ये पहले शादियों में यही आता था। अच्छा, ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो भैया क्या आपको इस बार नए नए आइटम भी देखने को मिल जाएंगे भाई? तो भैया आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास पूरी, अगर आग वगैरह ऐसा कुछ भी इश्यूज होता है तो उन सारी चीज़ों की सेफ्टी को पूरा ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर सारे दुकानों में आपको नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए तरीके के आपको पटाखे मिलने वाले हैं। आप लोग आ सकते हैं, रेट भी कुछ खास नहीं है, बार्गेनिंग वगैरह थोड़ी बहुत तो चली जाती है भाई। तो दोस्तों ये रहा हमारा पटाखा, क्या नाम था भाई, मैं भूल गया, नाम भी भूल गया, सिद्धगिरी बाग नहीं, ये मार्केट का नाम पटाखा क्लब क्या था, पटाखा मार्केट, पटाखा मार्केट सिद्धगिरी बाग का। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर। और दोस्तों हाँ, इस बार दिवाली आप सभी लोग धूमधाम से मनाइएगा, कंजूसी मत करिएगा पटाखा फोड़ने में और घर को सजाने में। दोस्तों हर हर महादेव, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव। पटाखा जलाना।